करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, उसने कैसे संविधान को बनाया और किस तरीके से आज लगभग 75 ईयर से ऊपर हो चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, 73-74 ईयर्स। तो इसमें आप लोग देखेंगे कहा जाता है कि कांग्रेस, सुने आप लोग एडमिशन, गवर्नमेंट किसी की भी फॉर्म हो, कांग्रेस ही हमेशा देश में राज करता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? गवर्नमेंट किसी की भी फॉर्म, कांग्रेस ही राज करता है देश में, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मैक्सिमम लोग किनके थे? कांग्रेस। तो इस हिसाब से देखिए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमें देखना है। और बहुत सारा ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारा सवाल के निशान उत्तर रहता है 10-10 कि भारतीय संविधान जो बना है वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी भी या नहीं थी जिसने इसको बनाया है। तो आपको एट द एंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, टू व्हाट एक्सटेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया ऑफ इंडियंस, ठीक है, किस हद तक संविधान सभा जो थी भारतीयों की सभा थी या भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती थी, ठीक है। तो अपने को माइंड में ये क्वेश्चन रखना है और हम लोग का स्टडी शुरू करें, ठीक है। तो दुनिया में जितने भी देश हैं या जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लगभग कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होते हैं किससे? एक प्रीएम्बल से। स्टार्ट करें हम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वहां पे पहली बार आपको प्रीएम्बल, सॉरी, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एक संविधान का फॉर्मेशन होता है, बट एक्सेप्शन भी है कि आपका फ्रांस देखा होगा, फ्रांस को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का लेबोरेटरी है, संविधान बनाने का वहां जैसे प्रयोग होता रहता है, बनाया बर्बाद कर दिया, बनाया बर्बाद कर दिया, उसी तरह से चलता रहता है। तो उनके यहाँ फिफ्थ रिपब्लिक का भी कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, उसमें उनकी समिति ने बनाया था, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनाया, कुछ लोगों को ग्रुप बना दिया, उन्होंने बना दिया और जनता में भेज दिया, जनता ने फिर रेफरेंडम वगैरह के थ्रू क्या किया, उसको वोट करके बोला कॉन्स्टिट्यूशन सही है और कॉन्स्टिट्यूशन उनका रन कर रहा है। बट आमतौर पर कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता है एक संविधान सभा के द्वारा ही बनाया। भारत में यदि हम बात करें तो संविधान सभा बनाने का बात था, हमें भी एक संविधान चाहिए, क्योंकि आपको अगस्त डिक्लेरेशन याद होगा, उसमें क्या बोल दिया था इन्होंने कि हम भारतीयों को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चलाने का अधिकार देंगे, ठीक है। इसके बाद ये लोग लगभग तय कर लिए कुछ सालों में कि भारतीयों को हम आज़ाद करने जा रहे हैं, तो आज़ाद भारत का अपना संविधान होना चाहिए या अंग्रेजों के कानून से चलना चाहिए? अपना संविधान होना चाहिए, उसके लिए संविधान सभा की मांग अपनी शुरू हुई कि अपने को संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई। तो बर्के एक इंग्लिश था, उसने चैलेंज किया इंडियंस को कि भारतीय इतना ज़्यादा डाइवर्स है कि वो अपना संविधान बना ही नहीं सकते, अपना संविधान वो नहीं बना सकते, चूंकि संविधान बनाने का मतलब क्या है, किसी एक मुद्दे पर सहमति होना। अब इतना ना हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है कि उनको लगता था कि हम किसी मुद्दे पर सहमत हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक का विचार अच्छा दूसरे के लिए बुरा बन जा रहा है। इसको चैलेंज किया गया। तो आपने मोतीलाल नेहरू का सुना, उन्होंने स्वराज वगैरह की जैसे की मांग की, और सबसे पहले यदि हम इन सब मुद्दों को छोड़ देते तो एम एल रॉय ने 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। अब एम एल रॉय कौन है? कन्हैया कुमार का नाम सुने आप लोग, उन्हीं तरह से एक कम्युनिस्ट विचारधारा के रखने वाले ये लोग, ये थे व्यक्ति। दूसरा, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, अगले ही साल ऑफिशियली डिमांड किया कि अपने को भी संविधान सभा मिलनी चाहिए जो कि संविधान का गठन करेगा, ठीक है। कुछ साल बाद नेहरू जी ने कहा कि भारतीयों का जो संविधान होगा वो भारतीयों के द्वारा बनाया गया होगा और फ्री इंडिया इंडियंस के द्वारा बनाया गया होगा। इन सब बातों के लिए लोग करने जा रहे हैं, ये सब सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। एट द एंड जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन दिखाया है, एट द एंड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स के लिए आपको ये सब फैक्ट्स याद रखने का, मान किया नहीं किया उससे ज्यादा नहीं आता, ठीक है।
इसके बाद फाइनली अब एक्सेप्टेंस मिलेगा हमें, तो फिर मान लीजिए हम लोग का प्रेशर पड़ेगा तो अगस्त डिक्लेरेशन में जिस तरह से डोमिनियन स्टेटस पूरा हुआ था, अगस्त ऑफर में 1940 में हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड पूरा हुआ कि अब हम देने जा रहे हैं उसको संविधान सभा। इसके बाद कमिटीज वगैरह गठित की गई और कुछ मिशन भेजे गए इंडिया, जिसमें पहला आता है आपका क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन मुस्लिम लीग का डिमांड यह था कि दो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाए जाए और दो सेपरेट स्टेट बनाए। तो क्रिप्स मिशन ने कुछ मुद्दे दिए, मानने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने बोला कि मैं भी आपका नहीं मानता, ठीक है, और ये इसी तरह बेकार हो गया। उसके बाद कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन ने भी मुस्लिम लीग के डिमांड को नकार दिया, बोला कि दो स्टेट और दो सेपरेट कंस्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा नहीं बनी। मतलब दो देश बनेंगे तो दो संविधान सभा भी तो बनेंगे उनके अलग अलग संविधान बनाने के लिए, तो कैबिनेट मिशन ने भी नकार। इसके बाद मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था माउंटबेटन एक प्लान लेकर आया, ठीक है। इस प्लान के अनुसार इन्होंने क्या बोला कि इस प्लान में इन्होंने कुछ हद तक दोनों के बीच में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में सहमति लाने का गठन किया, लाने का कोशिश किया और फाइनली दोनों लोग मान गए और भारत का पार्टीशन हो गया। फिर आपको पिछले क्लास में बताया था क्लियर है। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जो बात है, अब गठन किया गया संविधान सभा का क्या क्या गया गठन किया गया नवंबर 1946 में, जिसमें मुस्लिम लीग ने ही बोला कि हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब वो जो माउंटबेटन प्लान वगैरह के थ्रू और या उससे पहले जो कैबिनेट मिशन मान चुके थे उसके तहत भी लोग कुछ मुद्दों पर सहमति जताई। लेकिन तो इसमें टोटल स्ट्रेंथ बोला गया कि 389 लोग होंगे, मतलब भारत का जो संविधान बनाएंगे उसमें 389 लोग रहेंगे, जिसमें से 296 जो होंगे ब्रिटिश इंडिया के होंगे, मतलब मान लीजिए कि ये इंडिया है तो इंडिया में कुछ जगह ऐसे थे जहां किंग रूल किया करते थे, रजवाड़े या प्रिंसली स्टेट आप जिसको बोल सकते, कुछ राज्य ऐसे थे जहां पे गवर्नर राज किया करते थे ब्रिटिश, क्लियर है, और कुछ जगह ऐसे थे जहां पे क्या होते थे कमिश्नर रूल किया करते। तो ये तीन तरीके से बटा हुआ था इंडिया, क्लियर है। कुछ जगहों पे राजा राज कर रहे हैं, कुछ जगहों पे गवर्नर राज कर रहे हैं और कुछ जगह पे चार, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि पूरे मिलाकर 389 लोग पूरे संविधान सभा में शामिल हुए, जिसमें 296 जो दिए वो ब्रिटिश इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया मतलब ये जो गवर्नर वाले जो प्रोविंसेस थे वैसे सारे लोगों को मिलाकर 296 थी, ठीक है। 93 बाकी जो 93 सीट्स हो गए वो प्रिंसली स्टेट्स को देने का बात हो गया। देखिए 389 हुआ, 93 प्लस 296 इसी में से 292 बोला गया कि हम इनको देंगे गवर्नर को और चार होंगे कमिश्नर को, कमिश्नर वाले जो प्रोविंस है उनमें से लोगों को चुनकर लाएंगे और संविधान सभा में बैठा देंगे। ये सब फिलिंग्स के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल फॉर थिंग्स, ठीक है, इसको ध्यान रखना। सॉरी नहीं, वहाँ तो रजवाड़े को तो अलग था, वो तो बहुत बाद में आके प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनाए अंडर आर्टिकल 2A, ठीक है, अब तो है नहीं वो, अब तो सिंपली अपने स्टेट का पार्ट है वो सिक्किम, क्लियर है। इसमें बोला गया कि एक मेंबर को कैसे चुना जाए, तो बोला गया कि पूरे भारत के जनसंख्या के अनुसार चुनेंगे और पूरे भारत को 389 में भाग डिवाइड करेंगे, उसके अनुसार एक पर्सन को कितना दिया जाएगा, तो लगभग एक मिलियन समझता 10 लाख के एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाएगा और उस तरह से 389 लोग चुने जाएंगे। उसके बाद अब जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे जहाँ गवर्नर राज करते वहां पर बोला गया कि तीन तरीके से चुने गए वहां के लोग, पहला एक
मुस्लिम को, दूसरे सिख को और तीसरा इन जनरल, इन दोनों को छोड़कर जो भी बच गए उन टोटल लोग, इन तीनों को चुनने का बात चलता रहा। इसके बाद प्रत्येक कम्युनिटी ने अपने अपने लोगों को चुना और वास्तव में जो इसमें इलेक्शन हुआ आप ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसी चीज पे सवाल होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना था उसका क्या हम लोगों ने चुनकर इनको भेजा था विधानसभा में? आंसर इज नो। ये स्टेट के इलेक्शन हुए थे, प्रोविंस जिसको बोल रहे हैं हम, स्टेट के इलेक्शन में ही लोग आ गए थे, मतलब स्टेट का इलेक्शन हो गया था, चुन लिया गया था, अब वो लोग इनको चुन रहे हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन एक तरह से आप समझ सकते, चुनकर और इनको भेज दिया। और इसका जो तरीका अपनाया गया कि चुनने का कितने लोग बोला गया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू चुने, ये मतलब समझते हैं आप? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट नहीं, अब भी आप जो सिस्टम समझते होंगे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम समझते होंगे, जो जीता वही सिकंदर वही बना, मतलब
दूसरे में इसको बोल दिया इसको, तीसरे में इसको, चौथे में इसको और पांचवे में इसको। इसी तरह से और भी देर जो क्या इस तरह से वोट हो गए। इस वोट में किसी को भी 50% आ जाता है, 50% से ज्यादा वोट, तो वो कैंडिडेट क्लियर हो जाए, डिक्लेयर किया जाए कि वो चुनाव जीत गया। कॉन्फ्रेंस के समय में भी यही हो रहा है। ये सिस्टम समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, राज्यसभा का इलेक्शन होता है, इन सब के इलेक्शन में यही सिस्टम यूज होता है, ठीक है। क्योंकि जटिल है, आम जनता के लिए इसीलिए नहीं रखा गया इस सिस्टम, क्यों? क्योंकि आम जनता उलझकी रह जाएगी, उसे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा हमको तो पता ही नहीं चल जाएगा, इसलिए हमने यह सिंपल इलेक्शन का मेथड अपना। लेकिन ये इलेक्शन का मेथड जो बड़े बड़े पोस्ट है उसके लिए हम लोगों ने रखा है, ठीक है। और कंसल्टेशन भी जो बना था उसमें भी इसी तरह का सिस्टम फॉलो होगा। अब क्या होगा, 50% मान लीजिए किसी को नहीं आता है, किसी को आ रहा 50%, दो वोट किसी को, एक मिला है किसी को, मिला नहीं मिला ना, तो मान लीजिए कि 50% लोग किसी को वोट नहीं आए, तो फिर क्या होगा, फिर से इलेक्शन करवा जाए, इसको पूरा नल एंड वॉइड करके। आंसर इज नो। आज देखा जाएगा कि बताइए सबसे कम वोट पहले किसको पड़ा, कोटी को तो 5-5 नंबर का वोट दिख रहा है, पांचवें नंबर पे इसको एकदम सोचना ही है। ए सॉरी बी, आप देख सकते हैं, मान लीजिए किसको बोल दे, इसको कितना बच गया, 5 दे दिए मान लीजिए, तो मान लीजिए कि ई को सबसे कम वोट है, अच्छा ई का मान लीजिए मुझे हटाना है किसी, मतलब पर्पस को समझिए, सुनिए ध्यान से, तो सबसे कम वोट किसको मिला, ई को, तो ई इस रेस से बाहर हो गए, ई को पहले काटकर हटा दिए। अब ई को किसी ने 2 नंबर वोट दिया या 3 नंबर वोट दिया होगा, सॉरी जेड वाला को देख लेते हैं, जेड को किसी ने वोट, जेड ने किसी को वोट दिया था, ठीक है, 1 दिया था। अब किस ग्रुप से अभी भी पता नहीं चल रहा, तीनों को एक एक मिला हुआ, फिर से किसी को हटाने का प्रक्रिया चलेगा, इससे पता नहीं चल रहा। मान लीजिए कि इसको एक मिला रहता और यह हट जाता, तब तक ट्रांसफर होता है, जिसको 2 मिला हुआ इसको यहाँ पे बंद कर दो, और यहीं पे हो जाता है डिक्लेयर कि चुनाव जीत गया। मान लीजिए फिर भी किसी को नहीं मिल रहा है, यह प्रक्रिया लगातार चलता है। मान लीजिए कि जैसे मैंने पहले दिया था 1 इसको दिया रहता, ठीक है, और यह हट जाता रहता, तो फिर 2 नंबर ये डेट किसको दिया, इसको यहाँ पे 1 कर देते, और तब हो सकता है कि एक चुनाव जीत जाए। यदि ये नहीं जीतता तो फिर से डायरेक्टली किसी और को हटाने का प्रक्रिया चलता, फिर उसका वोट ट्रांसफर होता और इस तरीके से चलता, ठीक है। नहीं, यह सिस्टम अच्छा है बुरा इससे मतलब नहीं, अपने को आपको समझ नहीं आया, ये मेरे लिए समस्या है, ठीक है, फिर से समझाते हैं, डोंट वरी। और चूंकि इसका यह सिस्टम आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, देखिए मैंने बोला कुछ है, इस बार कुछ ज्यादा ही परसेंट उठा लेते हैं, ठीक है। राम, श्याम, इकबाल, तो इतने लोग चुनाव में खड़े हो रहे, ठीक है, किस और नाम रख देते, ठीक है, इतने लोग चुनाव में खड़े हो रहे, अब इनको वोटिंग कर रहे हैं, पर्सनल आ रहे हैं, आप जैसे लोग वोट कर रहे हैं, एक आदमी आता है और उसको वोट कर रहे हैं, तो बोला कि वोट कर रहे हैं, एक आदमी को आपको वोट नहीं करना है, सबको वोट कर रहे हैं, इसने वोट दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, 4-5 आराम से खुद सबको आ जाएगा, वाई जेड डब्ल्यू पी जस्ट समझेगा, नहीं तो फिर ऐसे क्लियर क्लियर तो समझने में बड़ा मुश्किल हो रहा, फिर और भी समझने में दिक्कत होगी। वाई मान लीजिए कि फिर किसको वोटिंग करता है, मान लीजिए दे देता 1 इसको, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको और 5 इसको,
जेट मान लीजिए कि वोट देता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ठीक है और 4 इंटू 5 इंटू दे रहे बाद 4 इंटू दे डब्ल्यू फिर वोट देता है और ये देता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू और 4 इंटू 5 इंटू इसी तरह से फिर भी देगा मान लीजिए कि 1 इंटू देता है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू और कौन बच गया 4 इंटू देते कितना बच गया 4। अब इसमें से देखा जाएगा कि 50% वोट किसी को मिल रहा है 50% किसी को वोट मिल रहा है जितना भी कैंडिडेट है सबको मिला था बोले कि नहीं नहीं मिल रहा तो भी क्या होगा पहले एक को हटाने का प्रक्रिया शुरू होगी। ये और भी प्रक्रिया है कि होता है एक को चाहिए होता है ये प्रेसिडेंट वगैरह पाएंगे उसमें आपको बताएंगे डोंट वरी। बट अभी आप ये समझिए कि वोट ट्रांसफर कैसे होता है। तो मान लीजिए कि सबसे कम किनको वोट आपको दिख रहा है रमन का तो रमन भैया को हटा दिया इलेक्शन से बाहर हो गए ठीक है। अब बचे कौन लेकिन उनका वोट ट्रांसफर होगा एक नंबर नहीं मिलेगा जिनको ठीक है। अब देखिए दूसरा आदमी उससे कम वोट किनको मिला इसके बाद देखिए 50% पूरा हो रहा है नहीं हो रहा फिर हटाने की कोशिश करते हैं फिर अब सबसे कम वोट किनको मिला ये शाम को मान लेते हैं शाम को सबसे कम मिला अरे मान लीजिए मान लेते क्या है लेकिन एक ने किसी इसलिए इनको एक वोट दिया पी ने पी एक दो इसका वोट है पी ने किसी को दो नंबर में दिया। अब ये मोस्ट प्रोबेबली हो जाए कि ये जीत जाए एक बार इस चुनाव समझे वोट ट्रांसफर होते हैं अब प्रपोजल में जीत जाए। हाँ पॉपुलेशन के अनुसार वहां पर प्रेसिडेंट को देखिए क्या लगे उनका चुनाव होगा नहीं उनका बोले कि सीधा उनके राजा जिनका नाम जो उनका पसंदीदा आदमी होगा उनको संविधान सभा में भेज देंगे हालांकि इन्होंने भेजा नहीं। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन हुआ प्रोविंशियल प्रोविंस के थ्रू मतलब प्रोविंस के लोगों ने चुना स्टेट लेजिस्लेचर जो बना होगा उसी के लोगों ने चुना इसमें कांग्रेस को 208 वोट मिले मुस्लिम लीग को 73 और 93 जो सीट दिए गए किसको प्रिंसिपल सेट वोट बोले फ्री नहीं किया और 15 कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीते। इस तरीके से इनका गठन हुआ किसका संविधान सभा। आप बोला जाता है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में डायरेक्टली इलेक्शन हुआ नहीं था ठीक है और रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं लगभग सारे सेक्शन में लोग थे जैसे हिंदू भी थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में मुस्लिम्स भी कुछ लोग थे पारसी भी थे सिख भी थे लगभग सारे लोग थे ठीक है क्रिश्चियन भी थे वुमेन्स भी थी तो सारे लोगों ने भाग लिया था। इस बात को हमें पॉजिटिव जब दिखाना होगा तब हम दिखाएंगे जब सवाल उठेंगे बेसिकली ये समझे कि सारे लोगों ने इस संविधान सभा में भाग लिया था। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जितने भी थे भारत के नेहरू पटेल ये सब लोगों ने क्या किया था भाग लिया था अम्बेडकर गांधी जी को छोड़ इनका वर्किंग कैसा होता था काम करने का ढांचा क्या था कैसे काम करते थे लोग संविधान सभा में। उससे पहले हम समझते हैं कि फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे कि इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था लेकिन फर्स्ट मीटिंग ये जो हुई थी इनकी 9 दिसंबर 1946 हुई थी ठीक है और मुस्लिम लीग ने इसको बाइकआउट कर दिया बोला कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे क्योंकि उनका डिमांड फुलफिल बहुत ज़्यादा हुआ नहीं था। और तो इस मीटिंग में 211 लोगों ने भाग लिया था पहला ऐसे पूछता है कभी बताइए कांग्रेस की मीटिंग में कितने लोग आए थे। उसी तरह से आपसे पूछ सकता है कंस्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग में कितने लोग आए थे ये प्रीलिम्स के फैक्ट्स एंड फिगर्स ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी उनको चुना गया क्या प्रेसिडेंट उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया और फिर फाइनली हमारे पास दो वाइस प्रेसिडेंट एच सी मुखर्जी और विक्की कृष्ण
बीटी कृष्णमाचार्य, ठीक है, सॉरी और कुछ आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे। यहाँ से आपका मेंस का थोड़ा सा पोर्शन लिंक कर सकते हैं। अभी तक फैक्ट्स एंड फिगर्स था, नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, आपको बस कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो माना जाता है कि आज जो प्रीएम्बल आपके पास है वो इसी का रूप है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या बोला गया, इनको पंडित नेहरू ने प्रेजेंट किया था संविधान सभा के पटल पे, कितनी तारीख को, 13 दिसंबर 1946। और संविधान सभा ने एकमत से, मतलब सभी लोगों ने इसको मान लिया था, स्वीकार कर लिया था, अब 22 जनवरी को, ठीक है, 46, ठीक है। तो सुनिए, ये इसमें बोला क्या क्या गया था, कुछ बोला जाएगा। पहला, इस रेजोल्यूशन मतलब एक शपथ, एक तरह समझिए लोग क्या ले रहे हैं, कि भारत अब एक स्वतंत्र राज्य के रूप में होगा। इसमें पहले बात बोला गया, इंडिया एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन हो, इंडिपेंडेंट, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, सॉवरेन, हम अपना डिसीजन लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, इंटरनली और एक्सटर्नली। और रिपब्लिक होगा, रिपब्लिक समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, गणतंत्र, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, नहीं, रिपब्लिक का मतलब कुछ अलग है। तो रिपब्लिक जब भी आपके वर्ड आए आपके पास, तीन लाइन याद रखना, पहला, हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो चुना हुआ होगा, तो देश का हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, अपना प्रेसिडेंट चुना हुआ होता है, प्रत्येक 5 साल के लिए चुनते हैं हम लोग उनको, जबकि ब्रिटेन में क्या हो रहा था, मोनार्क का। तो पहला पॉइंट, हेड ऑफ द स्टेट शुड बी चुजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दूसरा, पॉपुलर सोवरेनिटी जो होगा, मतलब अल्टीमेट डिसीजन लेने की जो क्षमता होगी वो जनता के हाथों में होगी। और तीसरा, जितने भी पब्लिक ऑफिसेस होंगे वो सभी के लिए खुले होंगे, आप गवर्नमेंट जॉब जाकर दे सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस में बैठ सकते हैं आप बिना किसी भेदभाव के, करते हैं कि नहीं, तभी तो कोई भी हमारे यहाँ सबसे बड़ा पोस्ट है प्रेसिडेंट का, वहाँ पे दलित अभी हमारी प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी प्रेसिडेंट है। तो ये इसी कारण से हो सका है क्योंकि इंडिया एक रिपब्लिक है, पॉलिटिकल ऑफिसेस और पब्लिक ऑफिसेस सभी के लिए खुली हुई है, ठीक है, कितना बात सुन रहे हैं आपको। तो रिपब्लिक का मतलब कितना, तीन वर्ड आपको एटलीस्ट याद रखना, चुना हुआ होना चाहिए हेड ऑफ द स्टेट, जनता के हाथ में पूरा पावर होगा, मतलब पॉपुलर सोवरेनिटी होगा, और जितने भी पब्लिक ऑफिसेस होंगी सबके लिए खुली होगी बिना किसी भेदभाव। टेरिटरीज की बात करें तो इंडिया के टेरिटरीज में बोला कि सारा होगा, जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो गवर्नर रूल कर रहे वो भी होगा आपके पास, एस्टेट होंगे और भी, और कुछ अदर टेरिटरीज जो हम बाहर से भी लेंगे वो भी इंडिया का पार्ट है, यही बोला गया। अब बोला गया कि सोर्स ऑफ पावर कहाँ से है, आपको संविधान सभा में संविधान बनाने के लिए बोला गया, ये पावर आया कहाँ से कि आप संविधान बनाएंगे, किसने आपको हक दिया। तो इन्होंने साफ शब्दों में इसी में बोल दिया कि सोर्स ऑफ पावर जो है वो पीपल ऑफ इंडिया है, भारत की जनता हमें ताकत दे रही है हम संविधान बनाए इसके लिए, क्योंकि प्रोविंशियल के लिए थ्रू, लेकिन हम चुनकर तो आए हैं संविधान सभा में, इन्होंने ये बात भी डिक्लेयर कर दी, क्लियर है। इसके अलावा कुछ गारंटी किया कि हम जनता को कुछ देंगे भी, कौन कौन सा जो प्रीएम्बल में मेंशन है। पहले इन्होंने जस्टिस का बात किया कि हमारे यहाँ न्याय होगा, कैसा कैसा न्याय, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस समझते हो, समाज में न्याय होगा, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 15 बेसिकली है सोशल जस्टिस की बात, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एज, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब इन सब आधार पे आप किसी के साथ भेदभाव वगैरह नहीं करेंगे। दूसरा, इकोनॉमिक जस्टिस, किसी के साथ हाथ में भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा, तो सबके लिए समान अवसर वगैरह मुहैया कराए जाएंगे इकोनॉमिक मैटर में। और तीसरा, पॉलिटिकल जस्टिस भी होगा, जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, हम लोग इंडिया को रिपब्लिक घोषित किया, तो ये क्या एक न्याय ही देने वाली बात होगी। उसके अलावा बोला कि इक्वालिटी होगा स्टेटस का, सब लोग बराबर होगा और सबको समान अवसर भी मिलेगा।
इसी रेजोल्यूशन में इन्होंने पास किया। अब बोला कि सब लोग कानून के समक्ष बराबर होंगे। इसके अलावा बोला गया कि फ्रीडम ऑफ थॉट होगा, आपको सोचने की छूट होगी। तो सोचने पे कौन रोक लगा सकता है? रोक लगा रहे कुछ लोग, कुछ कंट्रीज ने आपको सोचने पे भी रोक लगा दिए हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया में चले जाइए, आप बोले कि हम हंस सकते हैं अभी भी नहीं, आप बोले कि हम तो अभी हंस ही लेते हैं, नॉर्थ कोरिया में जाइए तो बोले कि नहीं हंसता भी नहीं है। ठीक है, हाँ आप लोग इतना फ्रीडम इंजॉय कर रहे हैं कि आपको एहसास भी होता है कि हमें कितना फ्रीडम दिया गया कंट्री। ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हैं आप किसी बात को बोल देते हैं, या प्राइम मिनिस्टर जाते रहते कुछ मांग रहता है, आपका सीएम जाते रहते कुछ मांग रहता है, पोस्टर दिखा देते डिमांड किया फुलफिल किया जाए, तो ये सब एक्सप्रेशन का ही एग्जांपल है। उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं आप किसी भी फॉर्म, बोलकर, आप कभी हाथ निकाला धागा बांधकर, इस तरीके से आप एक्सप्रेस करते हैं अपनी चीज़ों को जो भी डिमांड हो रहा हो। इसके अलावा फेथ वर्सिंग सब अधिकार होगा आपको पूजा पाठ करने का, आसान की कोई रोक देगा, इसीलिए इंडिया में एक सेकुलर कंट्री माना जाता है। ठीक है, आपको जो है सब छूट है, उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं। ठीक है, इसके अलावा बोला गया कि लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है, पब्लिक मोरालिटी और लॉ जो है वो ब्रेक नहीं हो रही, उसी आधार पर हम आपको छूट देंगे। पब्लिक मोरालिटी मतलब अब आपको एक्सप्रेस करने का अधिकार है, थॉट बिलीफ फेथ, ठीक है, आपको घूमने का भी अधिकार है। तो कुछ लोग को हम लोग रोक देते हैं कहीं पर जाने से। ठीक है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उससे समाज बंदी में फैल जाए, जैसे प्रोस्टिट्यूट हो गई, उनको कहीं पर जाने से रोका जाता है। एड्स पीड़ित जो लोग हैं उनको कहीं जाने से रोका जाता है। वो सब बोल सकते हैं कि पब्लिक मोरालिटी के आधार पर या पब्लिक के आधार पर, पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर कुछ चीज़ों को रोका जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोगों को सेफ गार्ड भी दिया गया। इन लोगों को सेफ गार्ड दिया जाएगा जो वल्नरेबल पॉपुलेशन होगा, जैसे ट्राइबल पीपल, उनको अलग से प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जैसे अभी हमारे इंडियन कंज्यूमर फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल है, इसके अलावा जो माइनॉरिटीज है उनके लिए भी दिया गया राइट अंडर आर्टिकल 29 एंड 30। उसके अलावा जो बैकवर्ड क्लास है, ओबीसी हो गए, इन सबको प्रोटेक्शन का बात किया गया कि आप उनको प्रोटेक्शन देंगे। क्यों? क्योंकि इनका समाज में हो सकता है शोषण ज्यादा हो जाए, इससे अच्छा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनली इनको कुछ एम्पावरमेंट दे दें, कुछ इनको छूट दे दें। क्लियर है? और इंटीग्रिटी जो इंडिया का है, अखंडता, उसको बनाए रखें, यही सब बात बता गया, ये सब काम का है। आठवां पॉइंट आपके लिए, कई जगह पे आप यूज कर सकते हैं, जैसे इथिक्स या जहां भी आपको मन करता यूज कर सकते हैं। ये जो लाइन है, नेहरू ने ये डिक्लेयर किया कि दिस एंशियंट लैंड दैट इज अ भारत विल गेट राइटफुल प्लेस इन द कम्युनिटी ऑफ नेशन। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत का जो अपना हक है वो अब मिल पाएगा। ठीक है, इसका मतलब समझिए, भारत जब कॉलोनियल रूल में था तो क्या इसको अपना हक मिल पाया था? आपको कोई दास बना के रखे आपका हक मिल रहा है, लेकिन जब फ्री हो जाएगा तो अपने तरीके से काम करेगा। आज इंडिया इस पोजीशन में है कि इंडिया को अपना हक मिल पाता है। G20 का भी सबमिट हुआ, अभी हमारे यहाँ पासपोर्ट का देख लीजिए, पासपोर्ट देख लीजिए या फिर कोई और मुद्दों पर देखिए, किसी भी कंट्री में आप जाते हैं आपकी इज्जत है कि नहीं है? आज इंडियन है तो इंडियंस को अपना जो वर्ल्ड लेवल पे हक है वो मिल रहा है। इसी में डिक्लेयर किया गया था कि भारत को अपना जो हक है कम्युनिटी ऑफ नेशन में वो मिले, इसको आप यूज कर सकते हैं मल्टीपल प्लेसेस पे। ठीक है, इसी में बोला गया कि भारत जो है वर्ल्ड पीस को प्रमोट करेगा। और ये आठवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दू। इसके अलावा बोला कि वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए काम करेंगे, मतलब पूरे मानव जाति के लिए काम करेंगे। एक्चुअली में आप देखिएगा नेशनल स्ट्रगल का हमारा व्यूज, तो हमने क्या बोला था, भारत को आजाद इसलिए मत कीजिए कि भारत को चाहिए, ठीक है हम तो दास बन के भी रह लेंगे, लेकिन दुनिया का ही नुकसान है उससे। कैसे? भारत यदि आजाद होगा तो भारत और मुल्कों की मदद करेगा, पूरे मानव जाति की सेवा करेगा। एग्जाम्पल कुछ ऐसा दे सकते आप लोग जिससे कि पता चले कि भारत ने मदद किया दुनिया को आजाद होने के बाद? रिसेंटली इनका कोविड और हर जगह पे हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट में जाते लोग, तुर्की सीरिया में भी हाल फिलहाल में गया, तो आपने देखा होगा कोविड में वैक्सीन लोग सब लोग जमा कर रहे हैं, भारत ने सबको दिया। इन सब स्टेटमेंट के थ्रू क्या करना है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि यूपीएससी में क्या करना है, फॉर्मूला की तरह चीजों को यूज करना है। ये फॉर्मूला मिला आपको इस यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे,
ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो दिए थे हम लोग, देखिए ये फुलफिलमेंट की तरफ है हम लोग। अब 1947 का जो एक्ट आया, ठीक है, उसने कुछ चेंजेस लाया। हाँ, बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब फुल्ली सॉवरेन बॉडी होगी। पहले क्या था, पहले तो लाया गया था क्योंकि ब्रिटिश के द्वारा, तो सवाल उठा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है भी या नहीं सॉवरेन। 47 में बोल दिया है कि अब आप सॉवरेन हैं, आप जो जैसा संविधान बनाना बनाइए, जो कानून आपको लगता है कि सही है उसको अपनाइए, और जिसको लगता है खराब भले ब्रिटेन नहीं बने उसको हटा दीजिए, ठीक है। तो ये सॉवरेन बॉडी के तौर पर बना दिए। इसके अलावा बोला कि आपको दो तरह का काम है, एक संविधान बनाने का काम तो आप पहले से कर ही रहे, दूसरा अब आप अपने ये कानून भी बना सकते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दो वर्ग दिया गया है, एक किताब बनाने के लिए भारत का जो कि संविधान है, और दूसरा बोला गया कि क्या बनाएगा, डे टू डे वर्क के लिए कानून बनाएगा, जैसे लोगों को हेलमेट पहनने के लिए, ठीक है, लोगों को लिखकर बैन करना है कि नहीं राज्य में, ये सारे माइनस भी दे दिए गए इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, डे टू डे वर्क पे भी आप काम किए, क्लियर है। लेकिन क्या ये एक ही दिन ऐसा काम करते थे, तो नहीं, ये दो अलग अलग दिन बैठते थे। जब संविधान बनाना होगा तब वो संविधान बनाने का सिर्फ काम करते थे, और जिस दिन कानून इनको बनाना होता तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ वाला, उस दिन अलग बैठते थे, तो सेपरेट डे वर्किंग होती थी, ठीक है। तो पहला पार्लियामेंट देखेगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है हमारी, फर्स्ट पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चेयर कौन करते थे, संविधान सभा की जब बैठक होती थी तो कौन बने थे चेयरमैन या प्रेसिडेंट, कौन, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब मीटिंग होती थी किसकी, कानून बनाने के लिए, जैसे पार्लियामेंट अभी चलता है उस तरह का जब काम होता था तब जी पी मौलानकर होते थे, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हम लोग काम करते, मतलब दो अलग अलग काम करते थे। तो दो फंक्शन 26 नवंबर 1949 तक जब तक संविधान बन रहा था साथ साथ होता रहा, उसके बाद क्या किया गया, संविधान तो बंद तैयार हो गया, उसके बाद फिर हट गया। इसके बाद पार्लियामेंट के तौर पे काम करता रहा जब तक कि जनरल इलेक्शन नहीं हो गया और उनका सरकार नहीं आई, क्लियर है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करता रहा, क्लियर है। इसके अलावा मुस्लिम लीग जो है वो विड्रॉ करके बाद में, और टोटल स्ट्रेंथ कितना हो गया, 299 फ्रॉम 389 से, ठीक है। कुछ अदर बात दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ये सब फैक्ट्स एंड फिगर्स है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना कि फ्लैग किस दिन हमने अडॉप्ट किया, ये कभी कभी आपके प्रीलिम्स वगैरह में आते हैं सर, क्या 22 जुलाई को किया, नेशनल एंथम किस दिन अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 24 जनवरी को किया, फिर नेशनल सॉन्ग कब किया, 24 जनवरी को किया। तो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों सेम डे, और फ्लैग 22 जुलाई, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप भी बने थे हम लोग, जैसे यूनाइटेड नेशन का मेंबरशिप होता है उसी तरह से कॉमनवेल्थ का भी मेंबरशिप, जो कोलोनियल लोग का जो ग्रुपिंग था उसके भी मेंबर हम लोग हैं। बाकी सब पहले जगह आप लोग इस पर कितने कहीं पैसा खर्च हुआ, तो 64 लाख रुपया लगा था इनको पूरा संविधान बनाने में, ये कभी किसी प्रीलिम्स में आ जाए स्टेट पीसीएस उससे ज्यादा इसको तवज्जो देना नहीं, ठीक है। यदि इनका दिमाग खराब हुआ कि नहीं, अब मेरे कुछ नहीं, ये 64 लगा था कि 65 लाख लगा था, ठीक है। तो सॉरी नहीं समझे, 64 लाख जो खर्च किया था तो सारा जितना भी संविधान बना होगा हर एक संसद को कुछ टाइम से किया होगा, तो उसको भी अपनाने में टाइम लगता है ना, उसको भी रीडिंग किया जाएगा या सिंपल ऐसा तो होता है। तो हमको लगता है कि यहाँ से कम बादल जितना होता है उसमें बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है हम लोग, मतलब आप समझिए उसको भी राइटिंग अपने अनुसार लाने में टाइम लगता है। और ऐसा नहीं अभी आपको बता रहे हैं जो आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि भारतीय संविधान में तो जितना है सब लोगों का ला कर डाल दिया हम लोग, उसका बता रहे आपको पॉइंट, ये अभी सब प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स सब ध्यान देते हैं, ठीक है। आगे बढ़े कुछ कमिटीज वगैरह बनी थी, मेजर कमिटीज आपको ध्यान रखना है, आपको प्रीलिम्स भी पूछ रहे हैं कि यूनियन पावर कमेटी किसने गठित किया था, तो जो अलग है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी किसने गठित किया था, जो अलग है, मतलब क्रिएट कर लेते उनको। प्रोविंशियल कमेटी पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन कर लो कह अम्बेडकर, ठीक है। ये कमिटीज वगैरह की ज्यादा
आप पढ़िए। अब ये इफेक्ट में कब से आया, संविधान आपका कब से प्रभाव में आया? तो कुछ संविधान के प्रोविजन ऐसे थे जो 26 नवंबर को ही जब संविधान बन गया उसी दिन से लागू कर दिया गया, जैसे नागरिकता ये सब जो चीजें थी उस समय। और कुछ मैटर जो है वो क्या किए गए, आपको जब देश आजाद हो गया मतलब गणतंत्र हो गया 26 जनवरी 1950 तब लागू, बस इतना ही याद रखना है। ये कुछ और फैक्ट्स है, इसको देख लीजिएगा आप लोग कि सीट क्या था, मोहर क्या था, कंस्टिट्यूएंट असेंबली का हाथी, उसके लीगल एडवाइजर कौन थे, बीएन राव, सेक्रेटरी कौन था, ठीक है, ये अपने लिए ज्यादा काम। अब आते हैं हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको क्वेश्चन दिया था और इसी को बस ध्यान रखना, बाकी अब भूल भी जाए डजंट मैटर मींस, ठीक है, बट प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना। सुनिए, संविधान सभा में हमारा सवाल होता है कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, अंग्रेजों के दिया हुआ संविधान है हमारे पास है। कुछ और भी सवाल होते हैं, कागज कॉपी 1935 का, भारत सरकार जो अधिनियम है 1935 उसका कागज कॉपी है, ठीक है। इन सब सवालों के जवाब के लिए कुछ क्रिटिसिज्म है, जैसे भारतीय जो संविधान सभा थी वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, हमने तो कभी चुनकर भेजा नहीं उनको, हमने चुना था कभी, या हमारे पूर्वजों ने चुना था संविधान सभा में जाने के लिए, नहीं, खुद ही स्टेट लेवल से चुना के और चले गए, किसी ने इम्पावर किया नहीं, बोला था रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं। दूसरा बोलते कि ये सॉवरेन बॉडी भी नहीं थी, इनको पहले तो बनाया गया संविधान सभा ब्रिटेन के अनुमति से, ब्रिटेन ने कैबिनेट में संविधान किया और उसने बोला कि जाइए संविधान बनाइए, जबकि गांधी का ये मत, गांधी ने अपने स्वतंत्रता आंदोलन में ये बोला था कि इंडिया जो फ्री होगा वो फ्री गिफ्ट नहीं होगा, ये तो फ्री गिफ्ट मिल रहा है और क्या फ्री गिफ्ट ही है, ये सब फ्री डिसीजन चलता है। इसके अलावा बोला जाता है कि टाइम, संविधान सभा ने बहुत ज्यादा टाइम भी कंज्यूम किया, 2 साल 11 महीने 18 दिन लिए थे, प्रीलिम्स में कभी कभी ये सब फैक्ट्स याद रहते हैं। लेकिन अमेरिका का कोई जो कि इतना बढ़िया संविधान माना जाता है वो मात्र 4 महीने तो बना दिया, तो ये लोग और समय बकवास कर रहे थे। तो इस तरीके से इनपे क्या होता है, सवाल होता है। इसके अलावा बोला जाता है कि पॉलिटिकली देखें तो इसमें कांग्रेस के ही लोग थे मैक्सिमम, अभी तो देखा मैंने, ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी सरकार किसी भी सरकार को रूल कौन करता है, कांग्रेस। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्या स्टेटमेंट है, कुछ स्टेटमेंट स्टेटमेंट देखते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, इसका क्या मतलब समझते हैं, कांग्रेस को हटा देना भैया है ही ना, तो वो बेसिकली बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वगैरह है उसमें भी वो चेंजेस लाने की बात करते हैं। एग्जाम्पल दें हम लोग कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिए, उठाते हम लोग पहला से आर्टिकल फर्स्ट जो सॉरी स्टेट के 4 पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था कौन कौन से, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सोनिक, यही बता दें हम कुछ मैटर्स उठाते, पहले टेरिटरी को उठाते हैं। टेरिटरी में सरकार ने कुछ चेंजेस किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन 370 में अमेंडमेंट कांग्रेस ने दिया हुआ, ठीक है, मतलब चेंज हो रहा है नहीं बोलो। दूसरा सिटीजनशिप CAMRC चेंज हुआ, तो ये सब सवाल है, नुकसान नहीं है। फंडामेंटल राइट EWS को रिजर्वेशन दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में कभी बात नहीं किया गया कि इकोनॉमी के आधार पर रिजर्वेशन आपको देना है, बट दिया। अब देख रहे हैं चीजें कैसे चल रही है, इस तरीके से चलती है। अब यही सब आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से पीछे जो बताया सिर्फ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो मैं नहीं भी पढ़ाता तो चलता, पढ़ नहीं सकते, क्लियर है, आगे बढ़े। इसके अलावा प्रोफेशनली देखा जाए, प्रोफेशनली व्यवसाय के आधार तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेताओं का और लॉयर्स का जमावड़ा था, इसीलिए तो बोला जाता है कि जो हमारे पास संविधान बना इतना मोटा बन गया, और इसीलिए बोला जाता है कि लॉयर्स का पैराडाइज है भारत, स्वर्ग है वकीलों के लिए, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा प्रोविजन वो लोग ढूंढ लेते हैं अपने संविधान में, इतना मोटा है कि इधर से उधर से और जनता उसमें पिसती रहती है, कैसे साल दर साल चलती रहती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन भी चलती रहती है, बोला जाता है ये लॉयर्स का पैराडाइज, ठीक है।
इसके अलावा बोला जाता है कि ये हिंदुओं के द्वारा डोमिनेट किया गया और लोग कहां थे एक्चुअली में कंट्री में मैक्सिमम लोग हिंदू से रह रहे थे उन्हीं के द्वारा डोमिनेट किया गया जो लोग चुन कर दिया तो वो भी मैक्सिमम हिंदू से होंगे तो ये सब इनका क्रिटिसिज्म है। अब आप बताइए क्वेश्चन कोई से आएगा नहीं डिस्कस द क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आएगा तो हमेशा क्वेश्चन पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव टोन पर उसको डाल देंगे पॉजिटिव टोन में कैसे बनाएगा इतना क्रिटिसिज्म के बाद मुझे संविधान सभा को सही ठहराना है कि नहीं जो संविधान बनाया था संविधान सभा ने वो सही बनाया था और सही है बताइए समझाएंगे पहला अब भी मैंने आपको बताया पहला ही पॉइंट कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी अब इस पॉइंट को हमें काउंटर करना है तो इसका प्रोविजन ये है कि जितने भी लोग चुनकर आए थे प्रोविंस के थे उस समय एक्चुअली में संभव नहीं था कि हम इलेक्शन करवा सकें क्या कर सके हम इलेक्शन फिर से करवा सके या इलेक्शन डायरेक्टली यूनिवर्सल अटेंड करें चाहे कि इलेक्शन करवाएं ऐसा संभव नहीं था। दूसरी सबसे बड़ी बात जो लोग भी कंफ्यूजन असेंबली में शामिल हुए थे जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ वो लगभग मैक्सिमम लोग वही लोग चुन कर आए तो इससे साफ पता चल रहा है कि जो लोग हमारा संविधान बनाए थे जनता का भी मत वही था। सेकेंड टाइम नहीं पता चला सही है लेकिन पता तो चला ठीक है तो इन सब प्रोविजन से जो आप क्या हो सकते हैं इसके अलावा इनके जो काम करने का जो तरीका था संविधान सभा में मोडस ऑपरेंडी जिसको बोलते हैं वो कैसा था कैसे इस आधार पर काम करते थे लोग कॉन्सेंसस के आधार पर यहाँ मुझे कोई डिसीजन लेना है हम आप लोगों से पूछेंगे कि बताइए काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इसमें से पांच मान ली पांच लोग बोल रहे हैं कि क्या होना चाहिए दो लोग बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए ठीक है तो अब हम क्या बोलेंगे कि आप पांच लोगों का ये जिम्मेवारी है कि उन दोनों को भी किसी तरह से मनाए आपके विचार में आने के लिए या उनको समझाने की कोशिश कीजिए उनसे कुछ आप कुछ अपने विचार में मॉडिफिकेशन कर लीजिए मतलब सब लोग एक ही विचारधारा के पे आ जाए या एक सहमति पे बैठ जाए इस आधार पे काम मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया तो लगभग जितना था रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग इसके अलावा जितने भी लोग थे कांग्रेस ने कुछ लोग चुनकर नहीं दिया मान लीजिए प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था उससे चुनकर नहीं दिया और लगा कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनका संविधान सभा में होना ही चाहिए उनके नहीं रहने से हमें नुकसान हो जाएगा देश के लिए अच्छा कानून नहीं बन पाएगा उसको कांग्रेस ने खुद ही बनाया मतलब नॉमिनेट कर लिया ठीक है तो मतलब इसके अलावा ग्रैंडी लॉज की इंटरनेशनल अथॉरिटी माने जाते हैं भारतीय संविधान मतलब अच्छी अच्छी बातें या संविधान की अच्छी जानकारी रखते हैं उन्होंने बोला कि भारतीय संविधान कंसेंसस के बेसिस पे काम किया था अकोमोडेशन था जितने भी विचार थे सबको सहमति लाने का कोशिश किया था इसके अलावा सिलेक्शन और मॉडिफिकेशन में कर दिया था ठीक है तो इस आधार पे काम किया गया और इसमें सारे सेक्शन के लोग थे सारे सेक्शन मतलब हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन ईसाई वुमेन सब लोग थे यदि हम आइडियोलॉजिकली भी देखें तो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सारे लोग थे इसमें तो इस तरह से देखें तो सारे लोगों का प्रतिनिधित्व हुआ है सारे लोगों ने बनाए तो सारे लोगों का विचार इसमें आया होगा संविधान सभा इस तरीके से पॉजिटिवली टोन में आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं ठीक है आपको बोलना हो कि कंक्लूड में मतलब थोड़ा सा किस हद तक संविधान सभा सही है गलत तो आप देखेंगे कि केशवानंद भारती ने यह सवाल पूछा था कि बोला गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया जो लिखा हुआ है भारत के लोगों ने कब इनको बोला संविधान बनाने के प्रीएम्बल में लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनी तो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया कहां से आ गया जनता ने तो कभी नहीं दिया था तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई कहीं हम बताने वाले तो हैं चूंकि हमको भी पावर संविधान से मिलता है फिर हम अपने वजूद पे सवाल के अनुसार उठा लेंगे फिर आप लोग कल बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट को भी कोई पावर नहीं है जाइए यहाँ से इन्होंने बोला कि भारतीय संविधान है जो इंडिया के बिल को इंडिया की आत्मा को बताता है कि भारतीयों ने ही संविधान बनाया है ठीक है इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि लगभग कितना 50 साल उधर ले लीजिए 20 साल इधर कितना होगा 70-73 होगा लगभग 73 ईयर से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यदि चल रहा है 72-73 ईयर से तो इसमें लॉट्स ऑफ क्रेडिट किसको दिया जा सकता है संविधान सभा को जहाँ आमतौर पर आसपास के देशों में देखते हैं कुछ ही साल संविधान का चल नहीं पाता नेपाल कब कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है कब बर्बाद कर लेता है पता ही नहीं चलता उसका
फ्रांस को देख लीजिए, 5 बार रिपब्लिक अपना चेंज कर, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर चुका है। तो इससे हमें पता चलता है कि भारतीय संविधान सभा ने एक बड़ा ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बना कर दिया है, जो भारत की जनता के हितों को ध्यान में रखती है, उनके सारे विचारधारा आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है। ऐसे करके अपने आप को कर्तव्य का दायरा कुछ इस तरह खोलिए, ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट चैप्टर मेनली मुझे इसी पॉइंट को बताना था, पीछे वाला तो इसके लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स थे। क्लियर है? स्टार्ट करिए, देखिए तो भारतीय संविधान की विशेषता विशेषता है, भारतीय संविधान की वो सैलिएंट फीचर्स है। आपको कितना बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान कहां कहां से लेकर बना दिया गया, तो भारत का संविधान का कोई विशेषता नहीं है, इसको नहीं पढ़ा जाए। हाँ, एक्चुअली में भारतीय संविधान के इतने सारे संविधान का अकोमोडेट करने के बावजूद भी भारत का अपने संविधान का कुछ अपना विशेषता है, ठीक है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो सैलिएंट फीचर्स बोला था, सबसे पहले बात कि भारत का संविधान सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया के और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसमें इतना लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, और भी रिटन फॉर्म में। तो संविधान दो तरह के होते हैं, एक रिटन एक अनरिटन, ठीक है? हमने आपको शुरू में ही बताया था कि प्रत्येक देश के पास संविधान होता है, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं हो सकता जो बिना संविधान के चले, ठीक है? जैसे प्रत्येक बच्चे के पास रूटीन होता है, अब उसके अनुसार पढ़े या नहीं पढ़े उनका मैटर होता है, उसी तरह से देश का भी संविधान होता ही है। अब वो रिटेन फॉर्म में हो सकता है, अनरिटेन फॉर्म में हो सकता है। इंडिया, अमेरिका, ये सब कुछ ऐसे कंट्रीज है जिनका संविधान लिखा हुआ है, और कुछ कंट्रीज है जैसे ब्रिटेन, उनका संविधान अनरिटेन, वो लोग जुमाने पर ध्यान रखते हैं, ये है ये नहीं हो, ठीक है? तो ये रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, आप लोग बता सकते हैं कि भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों है? पहला, भारत का आकार ही इतना बड़ा है। दूसरा, भारत का डाइवर्स कंट्री है, तो सारे लोगों को ध्यान में रखकर संविधान बनाना होगा ना। कुछ ऊंचे पैदान के लोग हैं, कुछ नीचे पैदान के लोग हैं, डिफरेंट विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, डिफरेंट धर्मों के लोग मानने वाले लोग हैं, तो सबका ध्यान में रखते हुए संविधान को बनाएंगे। इसके अलावा हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी देखें तो 1935 का बोला था ये कार्बन कॉपी, दो हमें उसके अनुसार अपने अनुसार ढाला उस प्रोविजन को भी, तो देखिए कि 1935 का बहुत सारा प्रोविजन हमारे संविधान में शामिल है। तो एक संविधान ऑलरेडी बना था, दूसरा और हम बना रहे थे, उसमें एडिशन ही होगा ना। इसके अलावा हमारे पास जो संविधान बनाने वाले लोग थे वो लीगल एक्सपर्ट थे, कानून बनाने वाले लोगों को दीजिएगा वो कानूनी बात ज्यादा ही कुछ लिख देंगे ना, अम्बेडकर जैसे लोग। तो इसके वजह से संविधान आपका इतना बड़ा बन गया। इसका इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन है, जैसे आमतौर पर किसी देश के संविधान में क्या होता है, सिर्फ सरकार का ढांचा होता है, सरकार कैसे चलेगा, क्या काम होगा नहीं होगा, बस यही, उससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन अपने संविधान में क्या है, बहुत सारा चीज प्रोविजन, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का भी प्रोविजन है, अपने पास सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी दिया गया है, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब हमें डाउन ट्रोडन या फिर जो निचला तबका उसका विकास भी करना है, डीपीएसटी जैसा भी प्रोविजन अपने पास है जो क्या बोलता है कि हमें क्या करना है, फूड देना है। अब फूड देने के लिए आपको क्या दिया, संविधान में लिख दिया, इसे संविधान में लिखिएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जैसे आपका टीडीएस मिलता है उसके लिए कि न्यूट्रिशनल फूड दिया देना चाहिए, तो डीपीएसटी वगैरह में सबवेंशन है, लीकर बैन करने के लिए संविधान में लिखा गया है, ठीक है? तो ये किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे मिलेगा, इसके वजह से ये संविधान हमारा इतना बड़ा, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे संविधान से हमने कुछ प्रोविजंस भी लिए हैं जिससे कि संविधान हमारा इतना बड़ा बन गया। जैसे स्ट्रक्चर देखे तो कहां से लिया गया,
स्ट्रक्चर देखिएगा तो 1935 का जो एक्ट था उसी से लिया गया कि सर हमारा अखंड भारत का जो बनाया था फेडरेशन टाइप का उससे बन गया। फिलोसफिकल मतलब फंडामेंटल राइट और डीपीएस फंडामेंटल राइट हमने अमेरिका से लिया, डीपीएस भी आईएस से लिया, आयरलैंड से लिया हमने, ब्रिटेन के जस्ट बगल में कंट्री। और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कहाँ से लिया हमने, ब्रिटेन से। ये सब प्रोविजन के आधार पर हम बोल सकते हैं कि हमारा संविधान इतना बड़ा होगा। ठीक है, इतना ही करते हैं हम लोग। ठीक है, ऑलरेडी आ चुका है, कोई डाउट नहीं, आपको क्वेश्चन बनाए थे कि नहीं? ठीक है, इनको पहले देखिए। ठीक है, क्वेश्चन बनाए थे आपने, डिबेट का बना सही हो, कुछ क्वेश्चन तो आसान थे जैसे मोन्टेग्यू चार्ज फॉर रिफॉर्म किस चीज से रिलेटेड था, बना हाँ ऑब्जेक्टिव चलिए। आज तक थोड़ा ज्यादा ही फैक्चुअल था, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूँ, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स वाला चीजें मुझे पढ़ाने में थोड़ा वो होता है कि क्या ही फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ाए, तो हम लोग ज्यादा बात किस पे फोकस कर पाएंगे, एनालिसिस वाला। ठीक है, तो आप लोग ये फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं दे दूंगा नोट्स में, बट आपको क्या करना होगा, ठीक है, उससे क्या होगा कि हम लोग एनालिसिस वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे और इस वाले पार्ट में थोड़ा कम कर पाएंगे। क्लियर है,